हाय गाइस, मैं हूँ शिवांगी, टैरो कार्ड रीडर। यहाँ पे स्कॉर्पियो के लिए मैं करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स दिस वीक के लिए लेके आ रही हूँ। और एट ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ वॉर्ड्स कि आपके लक्ष्य के ऊपर आपका पूरा कंसंट्रेशन है। आपको हर चीज़ का यहाँ पे नॉलेज है और आपको बहुत ही टफ फाइट के लिए, यानी आपका आपने जो खुद के लिए जो गोल सिलेक्ट किया है, जो आपको चाहिए, आपको ये पता है कि वो वहाँ तक जाने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगने वाले हैं। बहुत ही टफ सिचुएशन से आप जाने वाले हो, ये आपकी फीलिंग्स यहाँ पे आ रही है। स्ट्रेंथ, सभी रिवर्स कार्ड आए हैं आपके। ओके, देखो यहाँ पे आपकी सिचुएशन मैंने पहले बताई थी कि आपको पता है आपके गोल को आपको सिलेक्ट करना है और आपका गोल बहुत टफ है। जहाँ पर भी आपको जाना है, बहुत ही वो रास्ता वहाँ पे बहुत ऑब्स्टेकल्स है या बहुत ही कठिन रास्ता है, ये आपको खुद को ही पता है। इसीलिए आप ऐसे सिचुएशन में इस मोड पर बैठे हो कि ना आपके पास में स्ट्रेंथ आ रही है, इनर स्ट्रेंथ, ना आपके पास में किसी का गाइडेंस आ रहा है, ना कुछ एक्सपीरियंस है वो चीज़ का, और ना ही आप किसी को वो चीज़ बता पा रहे हो। यहाँ पे एनर्जी यही फील हो रही है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप बस बैठे हो, आप सोच ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो। आपने गोल फिक्स किया है पर उसके लिए जो कौन से रास्ते से जाए, इसके लिए आपके पास थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं ये फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे पिक करना चाहती हूँ। प्लीज गाइडलाइन फॉर द फाइव ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई। द लवर्स का कार्ड है, द मून, और यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे ये जो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे जो द लवर्स का कार्ड आया है, जाना है, जिसके लिए जाना है, जिसके लिए करना है, ओके, उसके ऊपर ही आपको थोड़ा सा विश्वास कम होते जा रहा है, क्योंकि आपके जो होप्स आपने लगाए थे उनके ऊपर, वो बहुत सारे होप्स टूटे हैं। ओके, जो भी आप और निकल रहे हो, ओके, एक कंफ्यूजन मोड से आप निकल रहे हो। यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, यहाँ पे प्रेडिक्शन यही हो रहा है कि आप जिस पे जिसके लिए जा रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आप यहाँ से एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, पर यहाँ पे ये बता दे कि जहाँ पे जा रहे हो वो रॉन्ग वे है। ये क्लियर है कि जहाँ पे जा रहे हो वो वहाँ पे ना जाए। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, आपने फिक्स किया है, आपने दिमाग में वो फिक्स किया है, बट यहाँ पे एनर्जी वही आ रही है कि यहाँ पे आपको नहीं जाना है। बहुत सारी निगेटिव एनर्जी वहां पे है, और आप जाओगे भी तो खुद को भूल जाओगे। वहां पे बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में, बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो सकता है। क्लियर कट एनर्जी आई है, और आप समझो इसमें से छूट गए ना, इस विचार से, इसको सबको छोड़ दिया ना, देन आप देखो
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप जीत जाओगे आपके लाइफ में, आप बहुत सक्सेस रहोगे, आप बहुत सक्सेस रहोगे। नहीं और समझो, आप यहाँ से ये डिसीजन लेते हो, जाने का डिसीजन लेते हो, तो ये एनर्जी यहाँ पे आई है कि आप फिर कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। आपको बॉदर किया जाएगा, आपको आपको सरेंडर करना पड़ेगा, भगवान को नहीं, वो पर्सन को जिनके पास आप जा रहे हैं या जो डिसीजन ले रहे हैं, जो जो भी हो यहाँ पे, तो एक्चुअली कुछ निगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। आपको नहीं जाना है, आपको नहीं डिसीजन लेना है, प्लीज वहाँ पे आप जाओगे तो पूरा फंस जाओगे, पूरा फंस जाओगे। और इसी के वजह से ना आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, ना आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्योंकि ये आपको खुद को पता है कि नेक्स्ट पर्सन कैसा है, ये आपको खुद को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही गाइडलाइन आ रही है कि आपको वहां पे नहीं जाना है, जो भी। ठीक है, शायद बिजनेस के लिए पार्टनर भी ढूंढ रहे होंगे आप, तो जिसके ऊपर आपने विश्वास रखा है वो आपको चीट करने वाला है, उसको नहीं वहां पे नहीं जाना है, यही यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है, करंट एनर्जी यही आ रही है। फिर भी हम गाइडलाइन लेते हैं, एंजल्स की गाइडलाइन लेते हैं, हमें क्या सजेस्ट वो करते हैं। बी सेंसिटिव टू क्रिटिसाइज। देखिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आपको इंस्पायर होना है, आपको मोटिवेशनल होना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा आपको बहुत बड़ा चीट होने वाला है आपके साथ में, या हो रहा है अभी भी, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, शायद पूरी दुनिया ही हिल जाएगी, ऐसा यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। सो प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स आपको यही ये वीडियो देख के यही बता रहे हैं कि प्लीज डोंट गो देयर, टेक अपनी खुद की केयर करो, खुद को देखो, आपको आपके जीवन में क्या करना है, आप क्या बनना चाहते हो, आपके खुद के तरफ ध्यान दो, आपके खुद के तरफ ध्यान दो। एक डीप, आप बहुत डेप्थ में जाना चाहिए, खुद को सोचना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे आप। देखिए ये ट्री विजडम ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको आपको ये करंट सिचुएशन में आपको हेल्प लेनी है। आप म्यूजिक सुने, आपका मैंने अभी कहा आपको खुद के ऊपर इनर वर्क करना है, एक हिडन डेप्थ मैंने अभी बोला, आपको डेप्थ में जाना है, आपके खुद के हिडन डेप्थ में आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या हो। समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, अ सीक्रेट और मेमोरी एट बैक ऑफ योर माइंड, वेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। आपकी हिडन चीज को आप किसी को बताओ और रिलैक्स हो जाओ, आप शेयर करो ये चीज जो है, आप किसी का डिसीजन लो यहाँ पे, आप गाइडेंस लो। ओके, और जब आप खुद को झांकोगे, खुद को देखोगे, इनर वर्क करोगे, अपने खुद के डेप्थ में देखोगे कि एग्जैक्ट क्या है, तब आपको पता चलेगा कि क्या रियलिटी है। ठीक है, आपको वहां नहीं जाते हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की है, यानी आप जीतने वाले पर्सन हो, खुश रहने वाले पर्सन हो, आप करियर ओरिएंटेड हो, आप खुद की लाइफ खुद बनाते हो, ऐसे पर्सन हो आप। पर यहाँ पे एक नेगेटिव पर्सन ने, नेगेटिव चीज ने आपको घेर रखा है, इसमें से आपको निकलना है।
एंजल्स परमात्मा ये कह रहे हैं कि आपको इसमें से निकलना है, खुद को ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशन में लाना है। ओके, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते, गार्डनिंग कर सकते, आपको प्रोटेक्शन है, आपको प्रोटेक्शन है, इसलिए आपको ये चीज पता चली है। आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा पेंटिकल्स का कार्ड है, मैंने कहा ना आप ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज को आप खुद को चेंज करते हो, खुद को चेंज करते हो तो आप विनर हो डेफिनेटली, और यहाँ पे खुद की लाइफ खुद एंजॉय करने वाले हो। द नीड फॉर पेशेंस, अ टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, अननेसेसरी वरीज, आप अननेसेसरी जो वरीज कर रहे हो उसको निकाल दो, ठीक है। आप ये गाइडलाइन लेके आपका जीवन बहुत बेहतर बना सकते हो, तो आई होप आप ये गाइडलाइन लोगे, डेफिनेटली आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे मैं रीडिंग क्लोज करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।